माय डियर जीजा जी, ये जलसा पार्टी 2014 गोकुलधाम सोसाइटी के कंपाउंड में करना चाहता हूँ। अरे वाह 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 मीरा, क्या आइडिया है, मस्त आइडिया, मजा आ जाएगा सबको। अरे वाह धंधरलाल, मस्त आइडिया है, मजा आ जाएगा। करो करो मीरा, जलसा पार्टी का आयोजन गोकुलधाम सोसाइटी में ही करो। अरे क्या करो, अरे भाई ऐसे हम लोग नक्की नहीं कर सकते। सोसाइटी में पार्टी करने के लिए पहले सोसाइटी का सेक्रेटरी की परवानगी लेनी पड़ती है। एक काम करते हैं, हम लोग आज सोसाइटी के मेंबर्स की मीटिंग बुलाते हैं, उसमें मैं ये प्रस्ताव रखूंगा कि भाई सुंदर भाई ने ऐसा ऐसा प्रस्ताव रखा है, अगर सब लोग मान जाते तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू भीड़ भाई। बस तो ये तय रहा कि आज रात को सोसाइटी के क्लब हाउस में मीटिंग हो रही है। दादाजी पता है, मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि हमारी सोसाइटी में कोई पार्टी होनी चाहिए, और उतने में सुंदर मामा जलसा पार्टी का आइडिया लेकर आ गए। हाँ टपुड़ा, तेरे मामा को तेरे दिल की बात पता चल गई है। सच में दादाजी, सुंदर मामा नहीं सुपर मामा है। टपू दिक्कत, तेरे मामा है ही ऐसे, सपने हम देखते हैं और पूरे वो कर देता है, सपनों का सौदागर है मेरा वीरा। मम्मी मम्मी जल्दी क्लब हाउस चलो ना, सब लोग आ गए होंगे। चलो चलो चलो। हाँ हाँ बेटे, टप्पू के पापा। हाँ टप्पू के पापा, चलिए जल्दी क्लब हाउस जाना है। अरे इतनी क्या जल्दी है, वहाँ जाके चूना ही तो लगने वाला है। क्या है? सुंदर सुंदर कहाँ है, गया मीटिंग में? अरे वीरा तो सबसे पहले पहुँच गया। वो तो पहुँचे गई ना, शिकारी को शिकार के आने से पहले फील्डिंग जो लगानी पड़ती है। ए भाई क्या खड़े खड़े सोच क्या रहा है, मीटिंग में नहीं जाना है तो गोदे और क्या, सो जा, चल लाइट बंद करो, चल। नहीं नहीं जाना है बापूजी। हाँ तो जा, आप नहीं आ रहे? अरे पार्टी पार्टी की चर्चा में मेरा क्या काम, तू जान जाते हो तो। हाँ पापा चलो ना, जल्दी 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 पापा चलो ना, चलिए ना जल्दी। तुम लोग निकलो, मैं मोबाइल लेके आया हूँ, मोबाइल भूल गया। हाँ मेहता साहब, आप निकल गए मीटिंग के लिए? हाँ तो निकलना मत, मैं आ रहा हूँ, फिर साथ में जाते हैं। अरे एक दो मिनट रुकिए, मुझे काम है, कुछ बात करनी है आपसे जरूरी। हाँ अब भी आया, बस अब भी आया। हाँ ठीक है। आता हूँ बाबूजी। हाँ ले लिया मोबाइल। हाँ मेहता साहब। गोपालाल क्या जरूरी बात करनी थी, कोई नया टेंशन? अरे टेंशन कोई नया नहीं है, वही सालों पुराना है, मेरा साला सुंदर, वो हर बार नई नई स्कीम लेके आता है और बैंड मेरी बचती है। जेठालाल दुनिया में हर चीज का इलाज है, बस एक ही चीज का इलाज नहीं, और वो है साला, और इसमें तो मेरे जैसा फायर ब्रिगेड भी कुछ नहीं कर सकता। अरे ऐसा मत बोलिए, आप एकमात्र मेरी उम्मीद है। पता नहीं इस बार वो कौन सी ऑफर लाया होगा, उसकी जो भी ऑफर हो आपसे मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, अभी मीटिंग में आप उसकी ऑफर को मना कर देना। क्या है, हम दोनों मिलकर मना करेंगे ना, जरा वजन पड़ेगा। अरे जेठालाल ऐसे कैसे मना कर दूं, और मैं सुंदर को कुछ मना करूंगा तो दया भाभी बुरा मान सकती हैं। अरे अंजलि को भी जवाब देना पड़ता है, और बिना सुने किसी ऑफर को मना कैसे करते हैं, मान लो सुन के पता चला कि ऑफर ठीक ठाक है तो? अरे कहां से ठीक ठाक हो, उसकी ऑफर कोई ठीक ठाक नहीं होती, वो जब भी अपनी ऑफर सुनाता है तो पहले पहले हमको लगता है अरे वाह ये तो सोना है, लेकिन जब भी हम जांचते हैं परखते हैं तब पता चलता है कि ये सोना नहीं है तो पीतल है पीतल। जेठालाल अभी एक बार मीटिंग पे चलते हैं ना, वहां देखते हैं क्या होता है, वहां सब इंतजार कर रहे होंगे ना। चलो मास्टर, और कितना टाइम लगेगा, 9:15 हो गए, ऐसे ही इंतजार करते करते मुझे फिर से भूख लग गई तो? ओए अगर मीटिंग लेट शुरू करनी होती हो तो गलत टाइम क्यों देते हो मीटिंग का? सॉरी मैंने कोई गलत टाइम नहीं दिया भाई, जेठालाल टाइम पे नहीं आता तो मैं क्या करूं, उसको मैंने फोन करके भी बोला था कि वक्त पे पहुंच जाए। अरे माय डियर जीजा जी पहले से ही ऐसे, खुद की शादी में भी लेट आए थे। इज इट सच है ये आजवरम, सच बोला था, ये जेठालाल का नाम जेठालाल नहीं लेटा लाल होना चाहिए था। आगे आगे शुरू करो शुरू करो। आओ आओ जेठालाल आओ। क्या हुआ, घड़ी बिगड़ गई भिड़े?
जेठालाल घड़ी नहीं बिगड़ी है, मैं देख रहा हूँ कि वक्त क्या हुआ है। तुम लेट आ गए जेठालाल। अरे भाई वो कहते हैं ना, लेट है लेटेस्ट है, मेरा मतलब है देर है दुरुस्त है। जेठालाल मैंने तुम्हें फोन करके बताया था कि वक्त पे आ जाना, फिर भी लेट है। बोलो। ये मेहता साहब की वजह से। अरे अभी सॉरी बोलो, आप सॉरी बोलेंगे बाद में मीटिंग चालू होगी, सॉरी बोल दो, उसमें क्या है। सॉरी सॉरी भाई, मेरी वजह से लेट हो गया। हाँ कोई बात नहीं, अभी अगली बार ध्यान रखना। चलो चलो आओ। तो मीटिंग शुरू करते हैं। हाँ तो फिर भाई बताइए ना, हम लोग जलसा पार्टी कर रहे हैं या नहीं। हाँ तो बताइए। एक मिनट, शांति का देवा, शांति का देवा। देखिए मैं आत्मराम तुकाराम भिड़े, इस गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी। ओ भिड़ू, ओ ये सब तू घर में बोला कर यार, ओ हमें पता है, ओ मुद्दे की बात कर, मुद्दे की बात। हाँ हाँ भाई सोड़ी, मैं मुद्दे पे ही आ रहा हूँ। आप सब जानते हैं सुंदरलाल जी हमारे जेठालाल जी के साले हमारी सोसाइटी के पास एक प्रपोजल लेकर आए। वो हमारी सोसाइटी में न्यू ईयर की जलसा पार्टी करना चाहते है। जलसा पार्टी 2014। जीजाजी आपको भी प्रणाम। माय डियर गोकुलधाम वासियों, मैं न्यू ईयर एकदम धाम धूम तरीके से मनाना चाहता हूँ। अच्छी बात। और मैं चाहता हूँ कि वो जलसा पार्टी गोकुलधाम सोसाइटी में हो। क्या बात, क्या बात, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और वो जलसा पार्टी गोकुलधाम सोसाइटी में मनाने की आप मुझे परमिशन दोगे तो मैं आपको 1,00,000 रुपए हार्ड कैश दूंगा। और इतना ही नहीं, ये शानदार पार्टी में आप सब गोकुलधाम वासियों को एकदम फ्री एंट्री मिलेगी और गाना खाना पीना नाचना सब कुछ एकदम फ्री। भाई 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 कितने एक्साइटेड है देखो। ये तपेली मतलब भांडो। कटोरी कटोरी बाउल। अरे भाई सुंदर, तू एक बात बता, तू हम गोकुलधाम वासियों पे इतना मेहरबान क्यों हो रहा है? नहीं मतलब तुझे पार्टी हमारी गोकुलधाम सोसाइटी के कंपाउंड में क्यों करनी है? कहीं और भी कर सकता है ना पार्टी। हाँ सुंदर, ये तो भाई सोचने वाली बात, हमारी गोकुलधाम सोसाइटी कोई समुद्र के किनारे पे तो है नहीं, या फिर कोई पहाड़ की गोदी में बसी हुई तो है नहीं, तो फिर ये पार्टी हमारी सोसाइटी के कंपाउंड में क्यों हो रही है भाई? बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात सही है मेहता साहब, मुझे तो बहुत अच्छी अच्छी जगह मिल रही है पार्टी करने के लिए, लेकिन मैंने आप लोगों के बारे में सोचा। अगर ये जलसा पार्टी मैं गोकुलधाम सोसाइटी में करता हूँ तो गोकुलधाम सोसाइटी को फायदा ही फायदा है। मैं गिनवाता हूँ, फायदा नंबर 1, अगर ये जलसा पार्टी गोकुलधाम सोसाइटी में होती है तो मैं गोकुलधाम सोसाइटी को 1,00,000 रुपए हार्ड कैश दूंगा। ये जलसा पार्टी गोकुलधाम सोसाइटी में होने पर सभी गोकुलधाम वासियों को ये जलसा पार्टी में एंट्री फ्री मिलेगी। वाह वीरा,
पार्टी के साथ साथ आपका हित देखना भी मेरा फर्ज बनता है। That's so sweet. क्या बात है? बराबर। एक विचार है भाई। मेरा वीरा, वीरा फर्ज और कर्ज कभी नहीं चुकता। बहना। चुकता नहीं नहीं, ये बोल कभी नहीं चुका था। वैसे आप लोग मना करोगे तो मैं दूसरी जगह चला जाऊंगा। बोलो चला जाओ। नहीं, सुंदर भाई अच्छा ऑफर है। अरे जेठालाल क्यों मना कर रहे हो भाई? तो बोलो आप सब लोगों को मंजूर है? जीजाजी को मंजूर नहीं है। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है भाई। तो फिर आप बोले क्यों नहीं? मैंने भी बोला, सबने बोला, मैंने भी बोला। ऐसे नहीं, एक बार अलग से बोल दो कि मंजूर है। हाँ, बोल दो टप्पू के पापा, मंजूर है, बोल दो ऐसा। क्या? मुझे भी मंजूर है भाई। भाई 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 हाँ हाँ भाई हाँ शांति। अच्छा सुंदरलाल, हाँ नहीं मतलब एक बात करनी थी कि पार्टी में बहुत सारे लोग आएंगे तो सभी सभ्य करके होने चाहिए ना, मतलब कोई असामाजिक तत्व घुसेगा तो कैसे चलेगा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ ये बहुत जरूरी है भाई। सुंदरलाल मेरा भी एक प्रस्ताव है, हम इतना बढ़िया कार्यक्रम करने जा रहे हैं तो उनमें जितने भी लोग आएंगे उनमें अगर कोई अविवाहित कन्या हो। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि उसे हमें फ्री एंट्री दे देनी चाहिए। और भिड़े भाई आप बिल्कुल चिंता मत करो, एकदम प्रीम ऑडियंस आएगी, बहुत अच्छे करके लोग आएंगे। क्या बात है, बहुत बड़े। हाँ, सब इनवाइटीज ही होंगे और साथ में सिक्योरिटी गार्ड्स भी होंगे। वो बोलना पड़ेगा सिक्योरिटी गार्ड को, मैंने जो भी बोला प्रस्ताव रखा हूँ। बाय 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 बाय। हाँ भाई हाँ। हम लोग कितने लकी है, अरे घर बैठे इतनी महंगी पार्टी में जाने को मिलेगा। नहीं वो सुंदर पर आ, वो पार्टी में शाटी होगी ना, वो शाटी का मतलब समझते हो? कोई समझे ना समझे, वो समझेंगे रोशन। पार्टी में शाटी चाहिए तुझे, पार्टी की रात में तुझे बाथरूम में बंद कर दूंगी। करते रहना पार्टी शाटी पार्टी में बैठ के। अरे रोशन भाभी ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये गोकुल धाम सोसाइटी है, यहाँ पर सिर्फ सॉफ्ट ड्रिंक्स ही होंगे। चलेगा चलेगा। बाय 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 बाय। सुंदर भाई खाने का इंतजाम तो बढ़िया से होगा ना, क्योंकि मैं बैठ के उठता भी हूँ तो मुझे भूख लग जाती है और वहाँ तो मुझे बहुत डांस भी करना है, सही बात है कि नहीं? अरे आदि भाई आप खाने की तो बात ही मत पूछो। क्यों खाना नहीं होगा? अरे ऐसा खाना होगा कि आप डांस भूल जाओगे और डांस ऐसा होगा कि आप खाना भूल जाओगे। डांस की वजह से खाना भूल जाएंगे? नहीं नहीं फिर तो डांस कैंसिल। अरे नहीं सही बात है। अरे मेरे कहने का मतलब ये है कि सब चीजें एकदम अव्वल होगी। म्यूजिक और डांस के लिए मैंने मुंबई का नंबर वन ग्रुप बुलाया है। अरे ऐसा ग्रुप बुलाया है, आप नाचते गाते थकोगे नहीं। अरे ये जलसा पार्टी को हमेशा याद रखोगे। बाय 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 बाय। अरे भाई सबको मालूम है वो भाई है बहन नहीं है, बार बार क्या भाई 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 कर रहे हो? टीम पार्टी। ओ माय गॉड, मुझे तो लगता है कि सुंदर भाई इस बार भांगी नाखू तोड़ी नाखू भूख को करी नाखू ऐसा जलसा करवाने वाले हैं। भांगी नाखूनों से बदल। देखिए गोकुलधाम वासियों, हम कमेटी मेंबर ने ये डिसाइड किया है
कि सुंदरलाल को हमें परमिशन दे देनी चाहिए, आपको क्या लगता है? एक मिनट भिड़े भाई, परमिशन देने से पहले वो लाख रुपया भाड़े का तो ले लो। क्यों टप्पू के पापा, आपको सुंदर वीरा पर भरोसा नहीं है? मैंने भरोसा है इसीलिए तो कह रहा हूँ, अभी दे देगा देखना, है ना सुंदर? माय डियर जीजाजी, हमेशा मुद्दे की ही बात करते हैं। देख, अब मैं 1 लाख रुपए नहीं दूंगा, अब मैं 2 लाख रुपए दूंगा। वो? सुंदर 2 लाख? नहीं, 1 लाख तो भाड़े का समझ में आता, दूसरा 1 लाख किस खुशी में भाई? 1 लाख रुपया भाड़े का और 1 लाख रुपया डेकोरेशन के लिए। वाह वाह वाह। बका भाई 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 पाउचा भाई। जेठा भाई, सुंदर भाई की यही बात एकदम बेस्ट है ना, ये सब में एकदम पक्की है। बैठ जा। ये लीजिए 1 लाख रुपए भाड़ा। थैंक यू। वाह। सुपर। ट्रेजरर जी। और डेकोरेशन के 1 लाख रुपए माइडी अजीत जी आप रखेंगे? ये मैं क्या सुन रहा हूँ, ये तो ऐतिहासिक पल है। थैंक यू भगवान इस ऐतिहासिक पल का अनुभव कराने के लिए, थैंक यू। हाँ हाँ जरूर, क्यों नहीं। नहीं माइडी अजीत जी, मैं क्या कहता हूँ कि आप पूरा दिन टेंशन में रहते हो, मैं आपको और टेंशन देना नहीं चाहता हूँ। बिड़े भाई, डेकोरेशन का काम भी आप देख लोगे प्लीज? अरे हाँ चलेल, खाने चलेल, चल दे आप बैठिए। हाँ चलेल चल। तुझे तो उसने मुझे पैसे नहीं दिए, उसमें ताली बजाने वाली बात क्या है? ताली क्यों बजा रही है तू? नहीं, मैंने ताली नहीं बजाई। अरे खोटड़ी, मैंने खुद अभी तेरी ताली बंद की, बोल रही ताली नहीं बजा रही थी। मैं समझाती हूँ, वो क्या है, कभी कभी मेरे ये हाथ मेरे हाथ में नहीं रहता, अंदर अंदर एक दूसरे को लाफा मारने लगते हैं ये, देखो। और लोगों को लगता है कि मैं ताली बजा रही हूँ। देखो, ए बॉस, ओए बॉस, बहुत है गयो बॉस, देखो मान नहीं रहा। तू क्या पागल हो गई है या मुझे पागल समझ रही है? मजाक मजाक कर रही थी। एक मिनट सुनिए, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े इस गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी ऑफिशियली अनाउंस करता हूँ कि सुंदरलाल ने अभी अभी सोसाइटी को 1 लाख रुपए दिए और साथ में ये वादा किया है कि सोसाइटी में होने वाली जलसा पार्टी में वो सभी मेंबर्स को फ्री में एंट्री देंगे। बराबर बराबर। और इसके बदले में जलसा पार्टी करने के लिए हम अपने सोसाइटी का कंपाउंड ले देंगे। बराबर। एक दिन के लिए? हाँ एक दिन के। कैंप पार्टी डाला हो तो ऐसा, बराबर ना? बाय 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 बाय। ए पाउच ले भाई। तो ये बात नक्की हो गई है कि जलसा पार्टी 2014 हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में होगी। बेन 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 बेन। भाई तो पार्टी ऐसी होगी कि सबके कदम थनकना करने लगेंगे। तो खाओ पियो मौज करो, जलसा पार्टी 2000
भाई आज तुम्हारे इस क्लब हाउस में कमाल हो गया। गोकुल धाम सोसाइटी के क्लब हाउस में आज विश्व रिकॉर्ड बन गया है। ऐसा कहने की बात नहीं, पहली बार ऐसा हुआ है कि गोकुल धाम सोसाइटी में किसी मीटिंग में कोई प्रस्ताव बिना किसी विरोध के 100% सहमति से पारित हो गया। और हो क्यों ना साहब, गोकुल धाम निवासी जिनकी आंखों में उत्साह है, दिल में उमंग है, रगों में प्यार है, वो ऐसे प्रस्ताव पारित करती है। ऐसे प्रस्ताव जिनमें सबको खुशी मिले उसमें कोई गोकुल धाम निवासी विरोध नहीं करता, तो इस 2014 की जलसा पार्टी का विरोध कैसे हो सकता था। अब देखिए दया भाभी गरबा डिस्को करने के लिए तैयार है, पर मैं जानता हूं आप लोग भी तैयार हैं इस जलसा पार्टी का मजा उठाने के लिए। तो अब ये देखिए दोस्तों कि इस जलसा पार्टी में कितने हंगामे होते हैं। आप जानते हैं हंगामे भी होंगे, गीत भी होगा, संगीत भी होगा, और ठहाके तो आप लगाएंगे। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अगर आपको सबसे पहले तारक मेहता का उल्टा चश्मा का अपडेट चाहिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।